कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी में मजबूत करने के प्रयास में जिला और शहर के कार्यकर्ता और नेता ही उनको पलीता लगा रहे हैं। ताजा मामला इटावा का है, जहां पर पार्टी की बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई और बीच बचाव करने आए जिलाध्यक्ष के कपड़े तक फट गए। इसके बाद भी कार्यकर्ता नहीं माने। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का नेताओं के प्रति अंदर दबा गुस्सा बाहर आने लगा है। इसकी वानगी इटावा पार्टी कार्यालय में देखने को मिली। दरअसल नगरपालिका स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में महारसोई को लेकर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जमकर जूता लात चल गए। महारसोई का संचालन किया जा रहा था, सभी पदाधिकारी मौजूद थे। इसी बीच शहर के अध्यक्ष पल्लव दुबे और पूर्व युवा अध्यक्ष अरुण यादव के बीच किसी बात पर बहस हो गई। उनकी बहस सुनकर दोनों तरफ के समर्थक भी आ गए और आपस में भिड़ गए। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से समर्थक आपस में हाथापाई और जूता लात चलाने लगे। हंगामा देखकर बीच बचाव में आए कांग्रेस जिलाध्यक्ष मलखान सिंह यादव का कुर्ता फट गया। देखते ही देखते हंगामे की स्थिति बन गई। जब हमारे संवाददाता कुलदीप दुबे ने शहर के अध्यक्ष पल्लव दुबे से बातचीत की तो उन्होंने अरुण यादव को गुंडा तक बता दिया और जान से मारने की नीयत से हमला करने का आरोप लगा दिया। वो अपने 10-20 साथियों के साथ आया और हम कांग्रेस की महारसोई चला रहे थे, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है। उस महारसोई में आकर उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया सीधा, 10-20 साथियों के साथ, और वो राइफलें लेकर वहाँ कार्यालय पर आया और उसकी राइफलें तक वो फर्जी रहती हैं और उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और बोला कि तू दोबारा अगर इस कार्यालय पर चढ़ तो तुझे जान से मार देंगे। वो गुंडा है, उसके ऊपर कई सारे मुकदमे पहले से ऊपर दर्ज हैं और वो कार्यालय पर अगर गुंडागर्दी दिखाता है उसे जाने किस बात से मुझसे हिस्सा है। नहीं तो पार्टी का वो पद भी है उस पर? पार्टी का उसके पास फिलहाल कोई पद नहीं है, केवल वो एक कार्यकर्ता है यहाँ पर, लेकिन अपनी गुंडागर्दी के दम पर वो कब्जे करता फिरता है यहाँ वहाँ। इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है पार्टी में, उसके ऊपर अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ अपनी गुंडागर्दी वहाँ दिखाना चाहता है। कारण क्या रहा आपको मामले का? कोई कारण नहीं रहा इसका कोई एक कार्यकर्ता होगा उसके हटाने को लेकर इसकी बात चली होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं। मैंने इससे कल फोन पे केवल इतना पूछा है, जितेंद्र यादव नाम का एक कार्यकर्ता पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाई हुई कांग्रेस सदस्य, इसने उससे मेरे ऊपर सोशल मीडिया पे भद्दे कमेंट कराए, तो मैंने इससे फोन पे केवल इतना पूछा, भैया ऐसा क्यों करा रहे हो? इतने में कल ये मुझे गालियां देता रहा, माँ बहन की इसने मुझे गालियां दी और मेरे ऊपर सवार हुआ और बोला कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। आज मैंने इन्हें पार्टी कार्यालय पर बुलाया और मैंने कहा भैया बात कर लो आगे, तब ये आए नहीं। जब मैं कचहरी आ गया वापस तो ये वहाँ कार्यालय पर अपने गुंडों के साथ पहुँचे, फिर मुझे वहाँ से फ़ोन आता है कि आओ पार्टी कार्यालय आ जाओ। इसने फ़ोन किया, बोले पार्टी कार्यालय पर आओ, मैं वहाँ बैठा हूँ। जब मैं जैसे ही वहाँ पार्टी कार्यालय पर चढ़ता हूँ मेरे ऊपर हमला कर देता अपने साथियों के साथ। क्या आपने शिकायत पत्र दिया? मैंने यहाँ पर SSP महोदय को शिकायत पत्र दिया कि मेरे इस गुंडे से मेरे और मेरे परिवार की जान माल की रक्षा की जाए और इस गुंडे को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ली और उन्होंने ये कहा, बोले अभी कोतवाली में अभी हम इस मामले को भी भेजते हैं। ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई है, वो किस? वहाँ पर कोई पत्रकार नहीं थे, जो भी पत्रकार वहाँ पहुँचे थे उनके साथ कोई अभद्रता नहीं थी, केवल एक पत्रकार वहाँ पहुँचे थे, इसके अलावा कोई पत्रकार नहीं थे, उनके साथ कोई अभद्रता नहीं हुई है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मेरे ऊपर तो ये लोग हमला कर रहे थे, मुझे क्या पता उनके ऊपर किसने। ये जाता है कि उनका मोबाइल भी छीन लिया गया है? पता नहीं, अब ये तो गुंडे हैं वहाँ पे, जाने के इसका मोबाइल कैसे छीन लें? रुपए तो इनके भी छीन लिए मेरे, यहाँ पर एक चैन और 2000 रुपए ऊपर रसोई के लिए डले थे, रुपए भी इन्होंने छीन लिए पूरी, इन्होंने शर्ट वर्ट यहाँ पर फाड़ दी और ये देखिए पूरा उंगली सब इन्होंने फाड़ के रख दी वहाँ पर। अगर मैं वहाँ से भागता ना तो ये मुझे जान से मार देते वहाँ पर। वहीं पूर्व युवा अध्यक्ष अरुण यादव का कहना है कि शहर अध्यक्ष ने भी उन्हें जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किया। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हूं युवा कांग्रेस का। अच्छा, आज कुछ यहाँ आपके महारसोई के चरण में कुछ बवाल हुआ, क्या है पूरा मामला? रोजाना की बात, पिछले 5 दिनों से हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू की रिहाई को लेकर हम लोग सेवा कार्यक्रम के तहत रसोई चला रहे, पर डे 500,000 कार्यकर्ताओं को लोगों के लिए खाना बनाने का काम कर रहे हैं। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने इस रसोई में कोई भी सहयोग नहीं किया और अब जब उनसे पैसा मांगा गया रसोई को चलाने के लिए तो वो जो लोगों से बदतमीजी करने लगे। जब मैंने उनसे रोका तो 2 दिन से लगातार वो हमसे फ़ोन से धमकियाँ दे रहे थे, आज जब रोका तो 10-15 गुंडों के साथ लेके हम लोग बैठे थे यहाँ पर, जिलाध्यक्ष जी थे, पूर्व शहर अध्यक्ष थे और बाकी सब नेता थे, उन्होंने आके हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया और अगर कई लोग यहाँ ना होते तो मेरी हत्या कर देते। और उससे भी बड़ी घटना ये है कि ये जब यहाँ से गए तो ये बोल के गए कि अब तुझे हम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने देंगे। तो अब इस मामले में पुलिस भी आई, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस को अभी हम लोग पुलिस में जाके
पार्टी में हमने ऊपर दे दिया है, सबको बता दिया है, यहाँ जो प्रभारी हैं आदरणीय रोहित चौधरी जी को बता दिया है, इटावा जनपद मंडल के प्रभारी हैं कानपुर मंडल के आदरणीय योगेश दीक्षित जी को बता दिया है, पूरी घटना से अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे गुंडों को जो है पार्टी में कतई ज़रूरत नहीं है और इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं भी तब तक धरने पर बैठा हूँ जब तक जो है इटावा में पल्लव दुबे जैसे असामाजिक तत्व जो है नहीं हटाए जाते। अच्छा, पल्लव दुबे का एक आरोप है कि आप जो है 10 से 12 बंदे ले गए, जैसा आपने उन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा ये 10 से 12 असलाओं से लैस बंदे लेके आए और उन्होंने मेरे ऊपर जान दिया। देखिए, यहाँ पर जो है कई मीडिया के साथी उस समय थे और एबीपी न्यूज के एक साथी थे उस समय जिस समय यह घटना घटी थी। ये पूरी घटना आप उनसे पूछ सकते हैं किसकी गलती है। अगर हमारी गलती है तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, अगर पल्लव की है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। दोनों लोगों को आपस में कपड़े अपड़े भी ऐसा कुछ? जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मलखान सिंह यादव के का कुर्ता फटा है, कई मीडिया के साथ उन साथियों ने फोटो भी उस पर जो है डाला है। तो अगर जो है हम पहले से बैठे थे, अगर हम पहले से बैठे थे तो हम गुंडे लेके कैसे आ जाएंगे? हम पहले से बैठे थे, गुंडे लेके तो ये आए थे। अब आपने अपने आप को बचाने के लिए तो आरोप लगाएंगे ना। बताया तो ये जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान द्वारा युवा जिलाध्यक्ष जितेंद्र यादव को 4 दिन पहले पद से हटा दिया गया था। इस पर जितेंद्र यादव ने शहर अध्यक्ष पल्लव दुबे पर टिप्पणी की थी, बस इसी के चलते पूरा हंगामा खड़ा हो गया। पार्टी के समर्थक एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। फिलहाल शहर के अध्यक्ष पल्लव दुबे ने SPCT से मिलकर पूरी घटना की जानकारी दे दी है। देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इस बारे में क्या बयान देती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस UP को सब्सक्राइब कीजिए।